एके मिश्रा जी, एक तरफ आप अध्यादेश पर समर्थन मांग रहे हैं और बिना कांग्रेस के ये तो तय है कि बीजेपी बड़े आराम से पास करा के ले जाएगी अगर कांग्रेस साथ नहीं देती है दिल्ली सरकार का तो। और काफी समय हो गया, समय मांगे हुए, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस में पंजाब कांग्रेस की बात करें, दिल्ली कांग्रेस की बात करें, वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के साथ नहीं जा सकते, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। और उसके बाद इस तरह का हार्श अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो आपको लगता है कि ये अध्यादेश पर साथ आएंगे और फिर वो जो विपक्षी एकता वाली बातें हो रही हैं उसमें भी साथ आ सकते हैं ये दोनों दल, स्पेशली आम आदमी पार्टी और दिल्ली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी? देखिए मैम, ये राजनीति है और रही बात जो मुद्दा चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अब एक नागनाथ है दूसरे सांपनाथ है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और एक दूसरे को काट करके ही डस करके ही आगे बढ़े हैं या बढ़ेंगे, लेकिन दोनों का जहर नलीफाई हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, मैं चोर पे मोर बोलूं कि मोर पे चोर बोलूं, किसको चोर बोलूं किसको मोर बोलूं, लाइफ में पहली बार मुझे ऐसी घटना सुनने को मिल रही है कि पॉलिटिक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी चोरी का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पूछिए कि इन्होंने कांग्रेस को ही तो भर भर के गालियां दे करके क्रिटिसाइज करके इन्होंने चुनाव जीता था। और रही बात जो फ्रीबीज है, वो अपने जेब के पैसे या पार्टी के पैसे से तो जाना नहीं है, वो तो जनता के टैक्स के पैसों से जाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांग लेंगे। पंजाब में आम आदमी बनी, बनते ही मुंह उठा करके वहां के मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े आ गए जी 50,000 करोड़ रुपए हमें दे दो, प्रधानमंत्री के पास चले आए। तो ये एक स्टेट को तो स्वावलंबी बना नहीं पा रहे हैं, तो राष्ट्र की बातें ये कहां से कर रहे हैं। कांग्रेस भी कम नहीं है, जो मैंने बोला ना किसको चोर बोले किसको मोर बोले, मोर पे चोर चोर पे मोर, कौन नागनाथ कौन सांपनाथ है यहाँ पे, उन्होंने भी फ्री बीज देना शुरू कर दिया। मैं तो इलेक्शन कमीशन से मांग करूंगा कि ये फ्री बीज जो होता है ये इनफैक्ट फ्री बीज नहीं है, ये टैक्स पेयर के पैसे से अपने आप को राजा बनाने वाली ये बात है। ये तो सबसे बड़ा गुनाह मैं मानता हूँ देश की पॉलिटिक्स में, कि टैक्स पेयर के पैसे से खूब खर्चे करो और सरकार बनाओ और राजा बन के बैठे रहो, झूठे वादे करते रहो। मुद्दे दोनों लोगों के पास नहीं है, मैं आपको बता दूं। मुद्दा ये नहीं होता कि ये फ्री ले जाओ, ये कौन सा मुद्दा है आप मुझे ये बताइए। फ्री देना ये डिसाइड करना कि हम ये चीजें फ्री देंगे, बस बिजली ये वो सारी चीजें फ्री देंगे, इसमें कोई IITian के दिमाग की जरूरत है क्या? ये तो अनपढ़ नेता भी करते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से। अगर आप IIT के हार्वर्ड के दिमाग वाले हैं, मैं कांग्रेस और इनको दोनों को बोल रहा हूं, तो आप कुछ ऐसे बोलिए कि मैं अपने स्टेट या अपने देश की एक एक जनता की इनकम को मैं इतना बढ़ा दूंगा कि उसको 2,000 रुपए महीने का बिजली बिल आए, चाहे 10,000 रुपए आए, उसके लिए वो इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। इतनी प्रोडक्टिविटी मैं बढ़ा दूंगा, एक एक आदमी को मैं इतना मजबूत कर दूंगा, उसके हाथ में काम देके उसको स्किल्ड बना के या उसको हाईली एजुकेटेड बना करके। तो IITian का दिमाग यहाँ तो लग ही नहीं रहा है, पता नहीं वो IIT खड़गपुर में छूट गया या कहाँ छूट गया, या जो नेहरू जी का विजन था वो विजन कहाँ गया कैसे गया। मिश्रा जी, मैं चाहूंगी आप पर्सनल टिप्पणियों से बचिए प्लीज, बचिए पर्सनल टिप्पणियों से प्लीज, अच्छा नहीं लगता। चुने हुए नेता हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्लीज। चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हर किसी के ऊपर ये जो टिप्पणी कर देते हैं, कितनी बार इन्होंने माफी मांगी है, मैं भी माफी मांग लूंगा। दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है तो मैं एडवांस में माफी मांग लेता हूँ अपने शब्दों के लिए। एक शब्द अगर इलेक्शन कमीशन मैंडेटरी कर दे कि फ्री बीज आप यूज नहीं करेंगे, तो सबको पता चल जाएगा, सारे मुद्दे हवा हो जाएंगे। अगर ये मैंडेटरी कर दे कि आप फ्री बीज यूज नहीं करेंगे, फिर मैं देख लेता हूँ किसके पास कितना टैलेंट है, कोई भी पार्टी हो। मैं ओवरऑल भारतीय पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये लीजिए इनके प्रवक्ताओं से। और रही बात मैम जो बोल रही थी कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल जेड हो जाएगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये क्लॉज डाल देगा कि फ्री बीज का आप डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो। आप बोलो ना कि जिनकी इनकम 10,000 रुपए महीने है, मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी इनकम मैं 50,000 करके दूंगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल जेड होने में देर नहीं लगे, ठीक है। लेकिन आप इस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि ये अध्यादेश पर साथ आते हुए नजर आ रहे हैं क्या, या फिर विपक्षी एकता जैसा कुछ आपको नजर आ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए जहां पे जब बाढ़ आती है ना, तो थोड़े से जगह पे डूबने से बचने के लिए सांप बिच्छू गोजर जितने होते हैं मेढक पेढक सब एक साथ रहते हैं, ये कब एक साथ आ जाएंगे कहीं कोई भरोसा नहीं। चलिए ठीक है, पर स्वार्थ की लड़ाई है, बहुत ज्यादा स्वार्थ की ये लड़ाई है, ठीक है।